वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ प्लस वन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्कल्पचर मदर एंड चाइल्ड। द नेम ऑफ दिस स्कल्पचर इज मदर एंड चाइल्ड। मीडियम इज वाइट मार्बल। पीरियड इज सिरका 13th century AD। लोकेशन इज विमल शाह टेम्पल दिलवाड़ा, माउंट आबू, राजस्थान। डायनेस्टी सोलंकी डायनेस्टी। कॉटेजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दिस इज द स्कल्पचर टेकन फ्रॉम द दिलवाड़ा टेम्पल्स फ्रॉम माउंट आबू, राजस्थान। The theme or subject matter of this sculpture, a seated mother holding her child, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो कि एक मदर है और she is holding her child. Description of this sculpture, the Vimal Shah Temple, one of the oldest finished example of Jain architecture, is devoted to Adinath. Built by Vimal Shah, a minister of Bhimdev I, the Chalukya king Solanki Maharaja of Gujarat. There are intricate carvings on all possible structures, be it pillars, mandaps, arches, corridors and doorways. The details are so minute that the artist seemed to have used a file rather than a chisel to carve them. ये स्कल्पचर विमल शाह टेम्पल से, जो कि जैन आर्किटेक्चर का सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है और जो कि आदिनाथ को डिवोटेड है, विमल शाह के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक मिनिस्टर था किंग भीमदेव वन का। एक चालुक्य किंग था कि भीमदेव वन, उसका मिनिस्टर था विमल शाह, तो उसके द्वारा बनवाया गया था ये। इस पे पिलर्स पे, मंडप्स पे, आर्क्स पे, कॉरिडोर्स पे और डोरवेज पे इंट्रिकेट कार्विंग्स की गई हैं, जो बहुत ही फाइन डिजाइंस बनाए गए हैं और इस पे आर्टिस्ट के द्वारा चेसल की जगह फाइल को यूज किया गया था कार्विंग के लिए। इन दिस स्कल्पचर अ मदर इज सिटिंग ऑन अ स्मॉल लायन लाइक क्रिएचर सिमिलर टू याली। हर वन लेग इज फोल्डेड एज इन पद्मासन एंड द अदर हैंगिंग डाउनवर्ड्स टचिंग द ग्राउंड। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे एक लेग है जो फोल्ड की हुई है और दूसरी जो डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड को टच कर रही है। अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन लुकिंग अपवर्ड्स एट हर फेस। और चाइल्ड है जो वो उसके फेस की तरफ देख रहा है। हर आर्म्स आर एक्सटेंडेड होल्डिंग द चाइल्ड विद हर लेफ्ट हैंड एंड डेलिकेटली कार्व्ड लोटस बर्ड्स फॉलिंग फ्रॉम द अबव इन हर राइट हैंड। तो चाइल्ड को उसने पकड़ा हुआ है, वो लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है और जो राइट हैंड में ऊपर से लोटस बर्ड्स हैं जो वो गिर रहे हैं राइट हैंड में। द मदर इज हैवीली ऑर्नामेंटेड विद अ नेकलेस फॉलिंग बिटवीन हर फुल ब्रेस्ट्स वेस्ट बैंड एम्फसाइजिंग द कर्व ऑफ द वेस्ट एंड अ जर्ल्ड क्राउन ऑन द हेड। हर गारमेंट ऑन द लेग्स क्लिंग्स टू द बॉडी विद ओनली अ फ्लोरल पैटर्न शोइंग इन अ डायगोनल ग्रिड। This is a lotus bud creeper at the back of her head, forming a semi-circle almost like a halo. Facial features show the influence of Khajuraho with a round face, defined nose and lips. Brow arc is not as high, but the eyes are elongated. The ornamentation काफी heavy इसमें दिखाई गई है और
साथ में एक लोटस फ्लावर का हॉलो टाइप सेमी सर्कल बना हुआ है उसके हेड के पीछे। दिस स्कल्पचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेविश कार्विंग डन विद पेशेंट लेबर ऑन अ रिच मटीरियल। यह स्कल्पचर फाइन काव्य की एक एग्जाम्पल है जिसको पेशेंट लेबर से एक रिच मटीरियल पे बनाया गया। तो ये थी इस स्कल्पचर के बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। थैंक यू।